देश के 13 राज्यों तक पहुंची अग्निपथ, विरोध किया कागजनी, पथराव, तोड़फोड़ और लूट का दिखा सिलसिला, दर्जनों ट्रेनें फूंकी, पुलिस फायरिंग में एक की मौत, तीनों सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री ने बुलाई आपात बैठक। अग्निपथ योजना पर देश में मचे बवाल के बीच सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा 2 साल में भर्ती बंद और अब केवल 4 साल के लिए नियुक्ति, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। भोपाल और ग्वालियर में बीजेपी महापौर प्रत्याशियों ने किया नामांकन, सीएम शिवराज सहित पार्टी के बड़े नेता रहे मौजूद, नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। इंदौर के 85 वार्ड में बीजेपी ने जारी की पार्षद प्रत्याशियों की सूची, टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सौंपा इस्तीफा। दतिया में कचरे में सामान ढूंढने के दौरान हुआ विस्फोट, हादसे में 2 बच्चे झुलसे, इंदरगढ़ थाना के बटेदरी ग्राम की घटना। गुजरात गौरव अभियान में पीएम मोदी देंगे 21,000 करोड़ की सौगात, वडोदरा में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना की करेंगे शुभारंभ, गांधीनगर में मां हीराबेन से मिल 100वें जन्मदिन की देंगे बधाई। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ब्रेकिंग की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, बता दें एमपी में निकाय चुनाव की जंग तेज होती हुई नजर आ रही है, निकाय चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख आज है, बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल करेंगे पार्षद प्रत्याशी, बता दें दोपहर 3 बजे तक जो निर्देशन पत्र है वो जमा किए जाएंगे और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 22 जून बताई जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, निकाय चुनाव के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है और एमपी में निकाय चुनाव की जंग जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है और निकाय चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है आज, तो वहीं बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल करने के लिए जो पार्षद है वो पहुंचेंगे और दोपहर 3 बजे तक जो निर्देशन पत्र हैं वो जमा किए जाएंगे। मेरी सहयोगी मितांशी जोशी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मितांशी, निकाय चुनाव के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है, कितने बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं आज? देखिए, दोपहर 3 बजे तक आज ये सिलसिला चलेगा और आज आखिरी तारीख है नामांकन पत्र जमा करने की। 3 बजे तक जितने भी उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार, जितने भी कल देर रात पार्टी की तरफ से जारी की गई है लिस्ट, आज सभी जो है वो नामांकन भरने पहुंचेंगे। हालांकि आज आखिरी तारीख है, दोपहर 3 बजे तक ही जो हम कह सकते हैं जो आयोग है वो यहाँ पर नामांकन पत्र लेने का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर खास बात ये भी है कि अभी कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर होल्ड रखा गया है नामों को लेकर, और 3 बजे तक आज पूरे जो नामांकन पत्र है उनको आखिरी समय रहेगा जमा करने के लिए। लेकिन कई ऐसे वार्ड हैं दोनों पार्टियों की तरफ से जिनको अभी होल्ड रखा गया है, तो अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। हालांकि कई ऐसे लोग हैं, क्योंकि आज देखिए कल रात देर रात सूची जारी कर दी गई थी, हालांकि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पहले से ही फॉर्म ले लिया था। सूची जारी करने के बाद देर रात तक आज हम देखेंगे कि सभी जगह पर, सभी जिलों में बड़ी संख्या में जो है बीजेपी और कांग्रेस के जो पार्षद उम्मीदवार हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। देखिए, महापौर के लिए तो यहां पर जो पहले से ही है लगातार सिलसिला चल रहा था, बीजेपी और कांग्रेस ने कल शक्ति प्रदर्शन कर भी राजधानी भोपाल में महापौर प्रत्याशियों के लिए टिकट नामांकन करवाया। लेकिन पार्षद जो भी बाकी हैं, 85 वार्ड राजधानी भोपाल में है, 85 वार्ड में से लगभग हम अगर बात करें 75% वार्डों की तस्वीर यहाँ पर साफ हो चुकी है, तो बड़ी संख्या में आज कलेक्ट्रेट में हमें पार्षद उम्मीदवारों का जमावड़ा देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, जो पार्षद उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और वो लोग यहाँ पर नामांकन दाखिल करेंगे। 20 तारीख तक अगर हम बात करें तो 20 तारीख तक ये जो नामांकन पत्र है इनकी समीक्षा की जाएगी, जांच की जाएगी और 22 जून तक यहाँ पर अगर हम बात करें 22 जून तक पूरे प्रदेश में वापस नामांकन पत्र लेने का सिलसिला जारी रहेगा और उसी दिन चुनावी चिन्ह का आवंटन होगा। देखिए, आज पार्षद प्रत्याशी जो है नामांकन दाखिल कर देंगे, इसके बाद तेजी से यहाँ पर प्रचार प्रसार का सिलसिला शुरू होगा। पूरे प्रदेश में जो है पार्षद प्रत्याशी सिलसिला शुरू करेंगे, महापौर तो है जो शक्ति प्रदर्शन अपना कर ही चुके हैं, प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं,
लेकिन आज से पूरी स्थितियां साफ हो जाएंगी और आज नामांकन पत्र जमा करने की तारीख भी खत्म हो जाएगी। नामांकन पत्र 22 तारीख तक वापस होंगे और उसके बाद चुनावी चिन्ह के आवंटन के बाद तेजी से चुनाव प्रचार प्रसार की हमें गतिविधियां देखने को मिलेंगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 22 जून है। मितांशी हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी कांग्रेस में बगावत का सिलसिला शुरू हो चुका है। टिकट वितरण होते ही बगावत का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं बता दें डैमेज कंट्रोल करने का मोर्चा खोले संभालेंगे वरिष्ठ नेता, तो वहीं टिकट जारी होने के बाद कई कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखी जा रही है। मेरी सहयोगी अमितांशी जोशी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अमितांशी, बीजेपी कांग्रेस में बगावत का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि जब से टिकट देने की घोषणा की गई है, टिकट वितरण के बाद कार्यकर्ताओं में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। देखिए, राजधानी भोपाल में कल रात एक तस्वीर भी ऐसी देखने के लिए मिली है, जहां पर कांग्रेस का यहां पर विरोध प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा नज़र आया है। जहां पर वार्ड 41 में जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा गया था, उसको लेकर यहां पर प्रदर्शन जारी था और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के लिए यहां पर नारेबाजी भी की गई थी। देखिए, जैसे जैसे पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा होती गई, कल देर रात तक हमने देखा कि कार्यकर्ता जो थे उनमें काफ़ी रोष नज़र आया। खासकर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में बागियों की जो लिस्ट है वो लंबी होती हुई नज़र आ रही है। तो यहां पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए कमलनाथ जो पूर्व सीएम है, उन्होंने पूरे निर्देश दे दिए हैं कि कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता जो है वो डैमेज कंट्रोल की स्थिति को संभालेंगे। देखिए, कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि कल रात देर रात तक काफी ज्यादा गुस्से में थे, काफी असंतुष्ट नजर आ रहे थे वो पार्षद के जो टिकट वितरण हुए थे। इससे कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कल रात ही निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर दी और आज वो लोग निर्दलीय चुनाव नामांकन पत्र भरने के लिए भी जाएंगे। लेकिन इसके लिए यहां पर कांग्रेस ने एक नीति तैयार की है कि वो जो भी लोग हैं, जो भी बागी हैं, जो भी कार्यकर्ता गुस्सा होकर बैठे हैं, उनको वो पार्टी की नीतियां याद दिलाएंगे और उनको याद दिलाएंगे कि पार्टी में कितनी ज्यादा अनुशासनहीनता की जरूरत बिल्कुल भी यहां पर नहीं है, अनुशासन बहुत जरूरी है। तो वरिष्ठ नेता यहां पर डैमेज कंट्रोल की स्थिति को संभालते हुए नजर आएंगे। वहीं हम बीजेपी में भी यही देखेंगे, कई असंतुष्ट चेहरे सामने आए हैं टिकट वितरण के बाद। तो पार्टी के वरिष्ठ नेता दोनों ही पार्टियों के, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, अब आखिरी समय है तो कार्यकर्ता को जमा करना संभालना भी मुश्किल है। वरिष्ठ नेता खुद प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा अगर हम बात करें, इसकी कमान संभालते हुए नजर आएंगे और बागियों को किस तरीके से दोबारा पार्टी के लिए एक, हम कह सकते हैं, पार्टी में लाया जाए, पार्टी के लिए एक दोबारा अच्छी इमेज बनाया जाए, इसको लेकर पूरे प्रयास दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे और कार्यकर्ताओं को और बागियों को वापस लेते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी में तमाम जानकारी देने के लिए। अब खबर इंदौर से है, जहाँ बीजेपी प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव का नामांकन आज दाखिल करना है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर आज अपना वो नामांकन दाखिल करेंगे, जब सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट में दाखिल करेंगे नामांकन। बता दें नामांकन से पहले कलेक्ट्रेट तक रैली भी निकाली जाएगी, शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर नामांकन जो है वो लगातार जारी है और नामांकन से पहले कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली जाएगी। बीजेपी प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव का आज नामांकन दाखिल करने की तारीख है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल करेंगे, उनके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल होंगे। बता दें नामांकन से पहले कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली जाएगी, शक्ति प्रदर्शन बीजेपी अपना करेगी। खबर इंदौर से है, जहां बीजेपी के वार्ड प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। 85 वार्ड पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है और टिकट नहीं मिलने से कार्यकर्ताओं का हंगामा भी देखने को मिला। जो कार्यकर्ता है उनकी नाराजगी भी देखने को मिली है और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा तक सौंप दिया है। 85 वार्ड पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है और सूची जारी करने के बाद कार्यकर्ताओं की खासा नाराजगी देखने को मिली। पार्टी की जो छवि अभी भाजपा की बनी हुई है, क्या सारे कार्यकर्ता जो हैं आप कांग्रेस के ही बिठाओगे यहाँ पे? भाजपा के कार्यकर्ता जो वर्षों से कार्य कर रहे हैं उनका क्या होगा, आप ये बताइए, या फिर हम घर बैठ जाएं? अगर हमारी बात को मान्य कर लिया जाता है तो मेरे वार्ड के स्थानीय हैं श्रीमान अशोक खंडेलवाल जी, हम इनके समर्थन में, अदरवाइज मैं तो अपना त्याग पत्र देके घर बैठूंगी। और अगर कार्यकर्ताओं की इस प्रकार से अवहेलना की जाएगी तो वह असहनीय होगा और हम उसको सहन।
खबर ग्वालियर से है, जहां बीजेपी की मेयर प्रत्याशी सुमन शर्मा ने नामांकन दाखिल किया और इस दौरान बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उस समय मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में सुमन शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। बता दें, यही नहीं, इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री सिंधिया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी ने संगठन की एक पुरानी कार्यकर्ता को मेयर का टिकट दिया है। डर काहे का, कांग्रेस में कुछ है ही नहीं कार्यकर्ता का, ना मान सम्मान ना इज्जत, एक ही नेता बचा है, बाकी क्या है। ये भारतीय जनता पार्टी की कलेक्टिव लीडरशिप बैठी है जो साथ मिलकर फैसले करती है और आगे बढ़ती है। ये एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जिसने कुछ गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को मेयर का टिकट दिया है। कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है। विधायक को ही मेयर बनाओ या विधायक के परिवार से मेयर बनाओ और एक ही खानदान के बाद सब कुछ चला जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मापदंड स्थापित किए हैं। हमने तय किया विधायक चुनाव नहीं लड़ेंगे मेयर। आज हमारी बहन सुमन शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी की एक समर्पित और जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता, जिसको कई वर्षों से हम सब समर्पित भाव से काम करते हुए देख रहे हैं, ऐसी समाज से भी जिनको जब जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष बनाया तो कॉलेज का काया पलट कर दिया था, ऐसी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। खंडवा नगर निगम चुनाव में महापौर पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने आज नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस उम्मीदवार आशा अमित मिश्रा के नामांकन दाखिल करते समय कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव मौजूद रहे और इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए अरुण यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। तो उधर बीजेपी प्रत्याशी अमृता अमर यादव ने भी नामांकन दाखिल किया। अमृता यादव के नामांकन के समय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे और इस दौरान नगर निगम चौराहे पर जनसभा को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि देश की जनता कांग्रेस की विचारधारा को समझ चुकी है। कांग्रेस आप देख रहे हैं पूर्ण रूप से चुनाव में शामिल है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में इस चुनाव में हम लोग भाग ले रहे हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बेहतरीन नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आने वाले हैं। पूरा प्रदेश बिजली, पानी, सड़क की राह देख रहा है। विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में है, लेकिन आप देख रहे हैं ऐसे सैकड़ों इलाके ऐसे जहां पर आज भी बिजली पानी की व्यवस्था है, सर मूलभूत व्यवस्था इस प्रदेश में उपलब्ध नहीं सरकार करा पा रही है। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि यादव परिवार लंबे समय से, लगभग 4-5 दशक से खंडवा की सेवा करता आ रहा है। हमने हुकमचंद जी को विधायक के रूप में देखा, उनके पुत्र को मंगल को और अमर को पार्षद के रूप में देखा, अब हम उनकी बहू को महापौर के रूप में देखें। एक समय था जब यहाँ लोग पानी के लिए तरसते थे, यहाँ की सड़कें की हालत बहुत ख़राब थी। आज हमें कहते हुए गर्व है कि नर्मदा के माध्यम से पर्याप्त पानी यहाँ पर मिल रहा है। ग्वालियर नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए कांग्रेस और बीजेपी को टिकट देने के लिए आम आदमी पार्टी भी मैदान में आ गई है। कांग्रेस की पूर्व महिला जिला अध्यक्ष एवं पूर्व प्रदेश सचिव डॉक्टर रुचि गुप्ता ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। बता दें कि कांग्रेस में सिंधिया की खास समर्थक रही रुचि गुप्ता ने जनवरी महीने में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। रुचि राय का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही लोग त्रस्त हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी जनता की सेवा के लिए एक बड़ा विकल्प बनेगी। कांग्रेस ने तो पहले अपना दामन छुड़वा लिया था, 5 महीने हो गए पार्टी में। मैंने कहा था पार्टी की विचारधारा से प्रॉब्लम नहीं है, बैठे हुए कुछ लोग जो हुकुम चलाते हैं उनसे प्रॉब्लम है। एक सिस्टम, एक प्रोटोकॉल, एक अनुशासन होना चाहिए हर पार्टी में। आप पार्टी का कुछ भी, मैं अभी तो आई हूँ, मैं ज़्यादा तो नहीं डिटेल बोलूँगी, पर इतना ज़रूर पता है कि आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है, गरीबों की सुनवाई होती है, अमीरों की पार्टी नहीं है। ये इनके कुछ एथिक्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिनके बेस पर ये पूरे के पूरे स्टेट में चुनाव लड़ते हैं और जनता इनको चुनकर और पूरा स्टेट हैंडओवर करती है। तो मेरी उम्मीद है यहाँ से बिगुल बजेगा, ग्वालियर से बिगुल बजेगा और मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ग्वालियर के माध्यम से एंटर करेगी।
एमपी में निकाय चुनाव की घोषणा के बाद एक पार्टी से दूसरे में जाने वाले स्थानीय नेताओं की लाइन लग गई है। उमरिया में एक तरफ कुछ नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो वहीं नए लोगों की पार्टी ज्वाइन करने से पुराने नेताओं को कम तवज्जो दिए जाने से नाराज पुराने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिले के 3 पूर्व जिलाध्यक्षों ने बागी होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया तो वहीं कुछ ने बागी होकर पर्चा तक दाखिल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन ने ये प्रत्याशी चयन करते समय न किसी वरिष्ठ से मुलाकात की, न किसी पूर्व जिला अध्यक्ष उमरिया नगर में तीन हैं अरविंद बंसल जी, दिनेश त्रिपाठी जी, मैं स्वयं, तीनों से एक मिनट के लिए भी उन्होंने बैठ के चर्चा करना उचित नहीं समझा। 3-4 लोगों ने बैठकर मन मर्जी से प्रत्याशी अपने चयन कर दिए और वो प्रत्याशी चयन से ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस को बैठे बैठे उन्होंने जीत का तोहफा दे दिया है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। चुनाव के तीसरे चरण की यानी 8 जुलाई को भिंड जिले के गौहद में मतदान होगा, लेकिन गौहद की शेरपुरा पंचायत में महुरी गांव के ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। इस गांव में 800 मतदाता हैं। ग्रामीणों की माने तो आज तक इस गाँव में मूलभूत सुविधाओं की कमी है जिस पर किसी जनप्रतिनिधि ने अभी तक ध्यान नहीं दिया और गाँव में सड़क नहीं है। बरसात में गाँव की चारों ओर दलदल की स्थिति बन जाती है जिससे यहाँ से निकलने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जनप्रतिनिधि सिर्फ आश्वासन ही देते हैं। समस्या हमारी यह है कि पहले तो अपन रोड कराते हैं, दूसरी बात ऐलान हमारे गांव वालों ने बहिष्कार किया है, वो इसीलिए किया है कि हमको जो स्वच्छ जगह चाहिए, जिस फील्ड में अपन खड़े हैं और हमको मिडिल स्कूल चाहिए। हमारा बहिष्कार रहेगा, सांसद विधायक और जिला डेलीगेट जनपद पंचायत और पंच सरपंच तक हम हमेशा तक बहिष्कार करते रहेंगे। समस्या रोड की है, रोड की हमने कई बार हमने आवेदन दिए तो रोड आज तक नहीं बन पाई, वही गड्ढे पड़े हुए हैं, देख लेना। स्कूल एक स्कूल का प्रकरण था हमारे, क्या है कि प्राइमरी तक स्कूल है, पुरखों ने जो भी बनवाया था उसी टाइम के। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जो खानदानी लोग हैं वो अब कांग्रेस में नहीं रह सकते। विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस अब कोई राजनीतिक दल नहीं है और अब इसकी कोई विचारधारा नहीं है। बता दें कैलाश विजयवर्गीय ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। खानदानी लोग होंगे वो कांग्रेस में रह ही नहीं सकते मान के चलना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के लायक रही नहीं। मैं भी यहाँ से जाऊँगा ना, जब इंदौर आज 7 बजे वहाँ चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है तो कम से कम 200 बड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस अब ना राजनीतिक दल रहा ना उनका कोई विचारधारा है। हमें कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश के विकास के लिए काम करती है। रुक करते अगली खबर का, अग्निपथ योजना का विरोध इंदौर में भी हो रहा है। बता दें रेलवे स्टेशन पर सेना भर्ती में पहुंचे युवाओं ने हंगामा और पथराव कर दिया। पथराव में बाणगंगा थाने के एक एसआई स्वराज डाबी के कान में चोट आई है। जवाब में आरपीएफ जवानों को भी पथराव करना पड़ा। पुलिस को आंसू गैस से गोले भी छोड़ने पड़े और छात्र इकट्ठा होकर लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन पर पहुंच गए। यहां छात्रों ने जाम लगा दिया और छात्रों ने पुणे से इंदौर आने वाली ट्रेन भी रोक दी। 2 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। युवक सुबह पहुंचे तो पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया था, लेकिन इस दौरान वो हंगामा मचाने लगे। कुछ देर बाद यहां भारी फोर्स तैनात की गई। पुलिसकर्मियों ने हल्का बल भी प्रयोग किया। यहां मौके पर आसपास के थानों का बल भी लगाया गया है। रद्द दोनों ट्रेनों को कुछ समय बाद निकाला जाएगा। अग्निपथ योजना पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का बड़ा बयान भी सामने आया। पूरे देश को जलाने का एक नया कार्यक्रम लेकर बीजेपी आई है। उन्होंने कहा कि अब हमारी सुरक्षा भी ठेके पर जाने वाली है और नौजवानों के साथ धोखा हुआ है। पूरे देश को जलाने का एक नया कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर के नेतृत्व में हो रहा है। अब हमारी सुरक्षा भी ठेके पर जाने वाली है। वो नौजवान जो अपनी पूरी जी जान लगाकर सेना में भर्ती होना चाहता है उसको उस भर्ती को ठेके पर देना चाहते हैं।
खबर ग्वालियर से है, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आया। अग्निपथ योजना के विरोध के लिए विपक्ष को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम युवाओं को हीरा बनाने की योजना है। आगे कहा कि विपक्षी दल योजना को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री तोमर का बयान भी इसको लेकर सामने आया। उन्होंने विपक्ष पर पूरा जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम युवाओं को हीरा बनाने की योजना है। आर्मी के रास्ते कहीं भी बंद नहीं हुए, ये जबरन कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। हर आदमी को इस बात का गर्व होना चाहिए कि मैं अग्निवीर बनकर आर्मी में काम करना चाहता हूं तो आर्मी में जा सकता हूं, और आर्मी के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में जाना चाहता हूं तो वहां भी अग्निवीर की ट्रेनिंग करके जो 4-7 बार लौटेगा वो हीरा बनकर लौटेगा और हर क्षेत्र में उसको काम मिलेगा। अब खबर दतिया से है, जहां कचरे में सामान ढूंढने के दौरान विस्फोट हो गया है। बता दें विस्फोट में 2 बच्चे झुलस गए हैं और पुलिस के अनुसार सुतली जैसे पटाखा हो सकता है जिसकी वजह से विस्फोट हुआ है। बता दें विस्फोटक वस्तु इंद्रगढ़ थाना के बडेहरी ग्राम की हुई घटना। इंद्रगढ़ थाना के बडेहरी ग्राम की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां कचरे में सामान ढूंढने के समय विस्फोट हो गया और 2 बच्चे झुलस गए। पुलिस के अनुसार इसमें जो सुतली पटाखा है वो हो सकता है जिसकी वजह से विस्फोट हो गया। खबर भोपाल से है, जहां एमपीईवी का भ्रष्ट उप महाप्रबंधक गिरफ्तार हो गया है। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। ट्रांसफार्मर लगवाने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लोकायुक्त टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया है। तो वहीं कॉन्ट्रैक्टर शिव शंकर पांडे की शिकायत पर ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। ट्रांसफार्मर लगवाने की एवज में रिश्वत मांगी थी, जिसके चलते पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भोपाल में स्मार्ट सिटी पार्क में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मिशन ग्रीन संकल्प की तारीफ भी की। और इस दौरान न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चेयरमैन नमित जैन, एडिटोरियल हेड मनोज बघेल, न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा और भोपाल के रेजिडेंट एडिटर के साथ साथ पूरी टीम मौजूद रही। हम भी सर मिशन ग्रीन सिटी ग्रीन अभियान चला रहे हैं, आज से उसको सर और भी आगे ले जाएंगे। 24 को बधाई देता हूँ एक तो इसके लिए कि आज आपने मेरे साथ वृक्षारोपण किया है। ये अभियान अब आंदोलन का स्वरूप धारण करता जा रहा है और मैं हमेशा अपील करता हूँ कि रोज़ न लगाएं तो जन्मदिन के दिन पेड़ लगाएं, शादी की वर्षगांठ पर पेड़ लगाएं, बच्चों के जन्मदिन पर पेड़ लगाएं, माता पिता की पुण्य स्मृति में पेड़ लगाएं, तो सहज ही हम पर्यावरण के रक्षक बन जाएंगे, धरती को हरा भरा रखेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छी धरती सौंप के जाएंगे। आज न्यूज 24 इस मिशन में पूरी क्षमता के साथ आपने ग्रीन सिटी के लिए जुटने का संकल्प किया है, तो हम सब मिलके जनप्रतिनिधि, समाज से भी, मीडिया अगर पर्यावरण की रक्षा के लिए लग जाएं, क्योंकि हम जानते हैं बाकी चीज़ें तात्कालिक हैं, लेकिन ये तो केवल इस पीढ़ी के लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। तो हम पे जो कर्जा है धरती माँ का, उस कर्जा को उतारने का ये प्रयास है। तो आपके इस प्रयास का मैं अभिनंदन करता हूँ, आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज से पूरे प्रदेश भर पर हमारे जितने संवाददाता हैं वो भी अपने अपने ज़िले पर कम से कम भी अपनी बेटियों के नाम पर एक एक पेड़ जरूर लगाएंगे अपने घर पर, कि बेटी ब्याह करके अगर अपने दूसरे घर भी चले जाए तो पेड़ को देखकर वो अपनी बेटी को याद रख सके उस पर। आपने एक नया आयाम जोड़ दिया, बेटी और पेड़ का संबंध जी। बेटी अद्भुत है और मैं तो कहता हूँ गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती है, और उनके साथ पेड़ों को आपने जोड़ा है। पेड़ हमेशा बेटी की याद दिलाते रहेंगे, ये सचमुच में अभिनंदनीय प्रयास है। मैं अभी अपील करूँगा बेटियों के लिए, तो आपकी जो मुहिम है पूरे देश में है, अब सर बेटियों के लिए भी पौधा लगाएंगे हम। न्यूज 24 ने ये अद्भुत काम किया है, बेटी चली जाए लेकिन पौधा याद दिलाता रहे। और 2 काम होते हैं, एक बेटी के प्रति सम्मान, बेटी बचाओ का अभियान भी है ये, और दूसरी तरफ धरती बचाओ अभियान भी है।
सर, प्रदेश में अब बारिश का समय है, सबसे उपयुक्त समय यही है जब अधिक से अधिक पौधे रोप सकते हैं। इस बार क्या प्लान है, कितने पूरे प्रदेश में पौधे रोपे जाएंगे? हरियाली अमावस्या के दिन से हमारा अभियान शुरू होगा पूरे प्रदेश में। मैंने ये देखा कि जब एक साथ बहुत वृक्ष लगाते हैं जल्दी जल्दी में वो स्थान और बाकी सब चीज़ें भी ठीक ढंग से चयन नहीं हो पाता है और वो एक फैशन बन जाता है, मैंने भी लगाया, देख रेख की उतनी संपूर्ण व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसलिए इस बार ये तय किया है कि एक दिन नहीं, हरियाली अमावस्या से एक महीने तक उपयुक्त स्थानों का चयन करके कौन पौधों का संरक्षण करेगा, रक्षा करेगा, आगे उनका ध्यान रखेगा, ये विचार करके ही हम पेड़ लगाए। इसलिए एक दिन नहीं, एक महीना अभियान चलेगा। लक्ष्य भी हार्ड एंड फास्ट, इतने करोड़ लगाओ तो उसमें फिर वो होड़ मच जाती, मेरे जिले में इतने करोड़, फिर ढंग से देख रेख की संपूर्ण व्यवस्था नहीं हो पाती। तो हमारे पास 6 करोड़ पेड़ तैयार है, लेकिन इस बार टारगेट तय नहीं कर रहे, कोशिश ये है कि लोग पेड़ लगाएं, सरकार आह्वान करे और अधिकारी आ जाओ, कर्मचारी आ जाओ, विद्यार्थी ले आए, उसके बजाय हम लगाएंगे जनता को लेकर, लेकिन लोग अपने अंदर से प्रेरित होकर लगाएं, ये कोशिश। कम से कम 6 करोड़ पेड़ तो लगेंगे ही सर। अब मैंने कहा कि सर लक्ष्य कुछ नहीं है, 3-6 करोड़ पेड़ हमारे पास तैयार है। हम फोरकोंडा मल्टीमीडिया के चेयरमैन साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर, बेटी के आपने पौधा लगाने की अपील की, मुख्यमंत्री ने भी इस बात को सराहा है। मैं पूरी टीम को कहूँगा कि सभी लोग जो भी अपने ज़िले पर हैं, अपने ज़िले पर जो बैठे हुए हैं संवाददाता हैं, जो फील्ड पर काम करने वाले लोग हैं, वो भी अपने घर के बाहर अपनी बेटी के नाम पर एक वृक्ष, एक पेड़ अपनी बेटी के नाम पर, जैसे जैसी बड़ी बेटी बड़ी होती जाएगी आपका वृक्ष भी ऐसा बड़ा होता जाएगा, बेटी भी आके दूसरे घर चले जाएगी बट आपका पेड़ आपके घर पर जीवित रहेगा और आप उसको देखकर कभी भी अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं पाएंगे। इस मुहिम में मैं सभी अपने साथियों को कहूँगा और जो दर्शक देख रहे हैं अगर वो भी कर सकते हैं, हमारे मुहिम में जुड़ सकते हैं, तो मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा उनका। फोरकोंडा मल्टीमीडिया के और News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटोरियल डायरेक्टर मनोज सर भी मौजूद हैं। सर, आज चेयरमैन साहब ने भी अपील की है, आप क्या अपील करेंगे? बहुत ही अच्छा ये प्रयास आज से हमारे चैनल ने शुरू किया है मुहिम के रूप में कि सभी संवाददाता, हमारे ज़िले के जितने संवाददाता हैं प्लस पूरे ऑफिस स्टाफ, अपने बेटियों के याद में एक एक पेड़ लगाएंगे उनके स्मृति में। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है, इसमें न सिर्फ पर्यावरण को बचा रहे हैं बल्कि जो मध्य प्रदेश सरकार का अभियान है बेटी बचाओ, उसमें भी प्रत्यक्ष सहभागिता हम निभाने जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी मुहिम है। मैं सभी संवाददाताओं से अपील करूँगा कि वो अपने अपने आसपास एक पेड़ जरूर लगाएं। डायरेक्टर साहब का अपील है कि कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। एडिटर न्यूज़ अभिलाष मिश्रा जी हैं। सर, आप लगातार इस तरह के जो अभियान चलते हैं उसमें अपील करते रहते हैं, आज देखा कि मुख्यमंत्री और हमारे चेयरमैन ने साथ में पौधारोपण किया, कुछ नवाचार भी यहाँ देखने को मिला है? नवाचार होता है, देखिए अच्छी बात यह है कि जो हमारे लीडर नमित जैन सर हों, CM शिवराज हों, या नोएडा में जो हमारे मेंटर्स हैं, तमाम लोग जो हैं वो हमें सिखाते हैं कि आप प्रोफेशनल अपने पॉजिटिव गोल्स के साथ साथ नेचर से रिलेटेड आपकी जो जिम्मेदारियां वो भी पूरी कीजिए। और नमित सर ने बेटी को जिस तरह से पेड़ से जोड़ा है, दोनों ही भावनात्मक रिश्ते हैं और हमारी संस्कृति भी कहती है कि पहले हम अपने कुदरत को, प्रकृति को अपने भावनाओं से जोड़कर रखते थे, जैसे ही वो भावनाओं का बॉन्ड टूटा है तो ये सब दिक्कतें आई हैं और अब एक बार फिर से उसी रास्ते पर चलना है। मुझे लगता है बहुत अच्छी मुहिम है सर ने शुरू की है और ये 100% हम इसको पूरी तरह से, पूरी जिम्मेदारी से निभाने जा रहे हैं। फिलहाल हम बात करें, मध्य प्रदेश में एक नया अभियान शुरू होने जा रहा है जिसमें पौधारोपण तो है ही, लेकिन ये जो पौधे हैं मध्य प्रदेश की बेटियों के लिए रोपे जाएंगे। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, News24 भोपाल। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, बने रहिए News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।